सो पुट 3x² प्लस 6x इज इक्वल टू 0. अब इसमें क्या क्या जो भी कॉमन है वो बाहर निकालो. 3x इज कॉमन, क्या है ना, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो हमने देखा था कि एक टर्म जो है ना, व्हाट आर द फैक्टर्स हियर, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 ऐसा है. Therefore, तो 3 का कांस्टेंट है, 3 can't be equal to 0. That means x is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0. Okay, तो ये x is equal to 0 हो सकता है, और therefore x is equal to minus 2. Therefore, 0 and minus 2 are the two zeros. ठीक है, ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल ऐसे बोल सकते हैं. कैसे करोगे सॉल्व तुम लोग, बताओ. पहले कोएफिशिएंट्स क्या है, रखो, लिखो, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी. हियर ए इज इक्वल टू क्या, 4. बी क्या है, -3, and c is equal to 2. Therefore, sum of zeros is equal to kya? B of minus b upon a. Minus b upon a, that is equal to minus of what? -3 upon a is what? 4. That is equal to. अभी ये minus minus क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, मतलब दिस इज इक्वल टू 3. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, c अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन a, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन 4. अभी जहां जहां पॉसिबल है कैंसिल करके 2 अंदर 2 प्राइम फैक्टर में लिखे हो, सो 2 अंदर 2 2 सो दिस विल कम इक्वल टू 1 अपॉन 2. सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. Product of zeros is equal to 1 upon 2.